जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान हनुमान की एक ऐसी साधना देने जा रहा हूँ जो बहुत सरल साधना है, बहुत प्रभावी साधना है। ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा विधान है, ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस साधना को करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ जो है वो समझनी पड़ेगी, और उस चीज़ को समझ करके आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और वो चीज़ ये है कि ये कोई गुप्त साधना नहीं है। हालांकि इसका विधान अवश्य गुप्त है, इसका विधान दिव्य है, लेकिन ये कोई गुप्त साधना नहीं है। ये एक प्रकट साधना है, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे किताबों के अंदर से मैंने इसको ढूंढा है, और ढूंढा ही कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान अष्टक का पाठ करते होंगे अपने जीवन में, बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान अष्टक का जाप करते होंगे, लेकिन इसको कभी भी किसी ने साधना के रूप में देखा ही नहीं है, या फिर किसी ने इसको इस तरह से नहीं देखा कि ये हमें भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त करवा सकता है। लोगों के अंदर हनुमान जी की एक छवि बनी हुई है कि हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, भगवान राम के भक्त थे, जो कि सत्य है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है या इसमें कोई भी बात अन्यथा नहीं है। परंतु इस धारणा के चलते, जैसे कि हमेशा होता आया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जब हम किसी देवता के एक रूप को चरितार्थ कर देते हैं तो उसके अन्य रूपों की या फिर उसके सामर्थ्य की महत्वता को लोग नकार देते हैं, जिस प्रकार से बाबा काल भैरव के साथ में होता रहा है हमेशा से और होता आया है। उसी प्रकार हनुमान जी भगवान राम के सेवक और उनके दूत होने के साथ साथ में, उनके भक्त होने के साथ साथ में रुद्रावतार भी हैं। और इससे पहले कि मैं ये साधना आपको दूँ, मैं आपको भगवान हनुमान के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैंने हनुमान जी के 16 रूपों से संबंधित पहले भी एक वीडियो सीरीज बनाई थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी अपना प्यार दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ और बातें आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान हनुमान रुद्रावतार तो हैं ही, वो भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। इतने शक्तिशाली की सृष्टि में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसका वरदान भगवान हनुमान को प्राप्त ना हो। चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वायु हो, यहाँ तक कि स्वयं त्रिदेवों से भी उनको वरदान जो है वो प्राप्त है, माता त्रिदेवियों से भी उनको वरदान प्राप्त है। सृष्टि में कोई भी ऐसे देवता जो अस्तित्व में हो और उनका वरदान या उनका आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे कोई देवता नहीं है। 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद भगवान हनुमान के साथ है। आप खुद देख लीजिए कि भगवान हनुमान की आराधना से नवग्रह शांत होते हैं, भगवान हनुमान की आराधना से किसी भी प्रकार का नक्षत्र दोष जो होता है वो व्यक्ति का शांत हो जाता है। कारण, क्योंकि भगवान हनुमान चंद्रदेव को नियंत्रण में रखते हैं। भगवान हनुमान की आराधना से आप उस देवता की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं जिस देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद है, जिसका आपके ऊपर तत्व है, जिसका तत्व आप धारण करते हो। आप अपने उस तत्व के देवता का आशीर्वाद भी भगवान हनुमान की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है, भगवान हनुमान को सभी देवी और देवता अपना पुत्र मानते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी खुद ये बात कहते हैं, वो सभी को माता कहते हैं, वो जितनी देवियाँ हैं वो उनको माता कहते हैं, और सभी जितने देवता हैं वो उनको अपने पिता स्वरूप मानते हैं। और है भी भगवान वायु जो है वो हनुमान जी के पिता हैं, भगवान शिव हनुमान जी के पिता हैं, भगवान राम को वो अपना पिता मानते हैं, ब्रह्मदेव को वो परम पिता कहते हैं। तो भगवान हनुमान को सभी देवी देवता अपना पुत्र मानते हैं। इस कारण से हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो जिद करके अपने काम पूरे करवा लेते हैं। यानी कि अगर उनको कोई कार्य करना भी होगा ना, तो वो ना किसी से युद्ध करने जाएंगे, ना वो किसी के पास में तपस्या करने जाएंगे, वो जिद करने लग जाएंगे और वो उनका कार्य जो है वो हो जाता है। ब्रह्मदेव का प्रकरण आप सबको पता होगा, जिसमें कि जब ब्रह्मदेव से हनुमान जी अंगूठी लेने के लिए गए थे राम जी की, तो जब ब्रह्मदेव ने उनको मना किया कि नहीं मैं अंगूठी नहीं दूंगा, तो वो जिद कर गए थे, वहाँ पर अड़ गए थे, तो उनको देनी पड़ी थी ब्रह्मदेव को। तो जब आप भगवान हनुमान की आराधना करते हैं, जब आप भगवान हनुमान की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी प्रकार की नकारात्मकता आपके साथ में है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र संबंधी नकारात्मकता हो, चाहे वो आपके धन संबंधी नकारात्मकता हो, चाहे वो आपके तंत्र संबंधी नकारात्मकता हो, उनका निदान हो जाता है। और इसी मनोकामना के साथ में, इसी भावना के साथ में मैं हनुमान जी की ये साधना आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे अपना हित करेंगे, अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये साधना, जैसे कि मैंने कहा कि ये साधना हनुमान अष्टक की है, आप सभी हनुमान अष्टक जानते हैं, आप सभी को हनुमान अष्टक पता है, लेकिन ये साधना पूर्ण हनुमान अष्टक की नहीं है। ये साधना है हनुमान अष्टक के आखिरी अंतर की, जो कि इस प्रकार है कि काज किए बट देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हटारो।
बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये हनुमान अष्टक का अंतिम मंत्र है जिसमें भगवान हनुमान से प्रार्थना की गई है। इसका सरल अर्थ जो है वो इस प्रकार है कि आपने बड़े बड़े देवों के कार्य किए हैं, तो मेरा ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप मेरे ऊपर अपनी कृपा करें और मेरे इस कार्य को सिद्ध करें। इसका कारण है कि मैंने ये अंतरा क्यों बताया है, शाबर मंत्र पढ़ करके देवता को आदेश देने से अच्छा है कि उनसे प्रार्थना कर लीजिए। देवता आदेश से जल्दी प्रार्थना सुनते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी को माता अंजनी के दूध की आन देने से अच्छा है कि आप उनसे प्रार्थना करके अपने कार्य करवा लीजिए। और ये प्रमाणित साधना है, ये साधना अब तक मैंने चार लोगों को ही करवाई है गिन करके, और उन चारों लोगों की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हुई हैं। शीघ्र ही मैं उनके अनुभव भी डालूंगा। इस साधना से आप अपनी किसी भी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, जब तक कि वो इच्छा दुष्कृत्य से संपन्न ना हो या फिर दुर्भावना से संपन्न ना हो। आप किसी का अहित करना चाहें, आप ये साधना करना बोले कि हनुमान जी ने उसका अहित नहीं किया, तो ये संभव नहीं है। अगर आपको वास्तविकता में कोई समस्या है, आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, आप धन बाधा से पीड़ित हैं, आप आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं, आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, आप इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना पूर्ण प्रभावी है और इस साधना के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जटिल नियमावली नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जटिल विधान नहीं है। आपको केवल और केवल इस अष्टक की, जो मैंने अष्टक का अंतिम अंतर आप लोगों को बताया, इस अंतरे की आप लोगों को एक माला करनी है 21 दिनों तक आपको इसकी एक माला करनी है। और आपको प्रत्येक मंगलवार जब तक आपकी साधना चलेगी, आपको अपनी साधना के अंदर पड़ने वाले 3 मंगलवारों में आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करना है। अगर आप स्वयं अपने हाथों से चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चढ़ा सकते तो आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर, पीला सिंदूर जो हनुमान जी के चोलों पे चढ़ता है, और चमेली का तेल, ये दो चीज़ें आप जाकर के किसी भी मंदिर में आप दान कर दीजिए 3 सोमवार तक। ये साधना मंगलवार से शुरू होगी, किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और इस साधना को आपको 21 दिन तक आपको करना है। 21 दिन तक आपको नित्य इस अष्टक के अंतरे की एक माला आपको जाप करनी है। माला रुद्राक्ष की, वस्त्र लाल, आसन लाल, दिशा उत्तर, और लड्डू का इसके अंदर आपको हनुमान जी को भोग लगाना है, ठीक है। कोई जटिल विधान नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, जो मूल नियम है साधना के वो आपको पालन करने हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य हुआ, आपको 21 दिन तक नियम से ब्रह्मचर्य धारण करके रखना होगा। आपको सात्विक आहार लेना होगा, आप किसी भी प्रकार का कोई मांस मदिरा या फिर लहसुन प्याज आप नहीं इसमें खा सकते। इस साधना के अंदर जो हनुमान जी के मुख्य नियम है, बेसिक जो नियम है, उनका आपको पालन करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा जटिल विधान नहीं है जो आप लोगों को ना पालन हो पाए आपसे, और ना ही इतनी बड़ी कोई साधना है। साधना पूर्ण होने के बाद में, आपकी साधना जिस समय पूर्ण होगी, 21वें दिन आपको इसका हवन करना है, जिसके अंदर की आपको 5 माला की आहुति करनी है। घी में चमेली का तेल और पीला सिंदूर मिला करके आपको 5 माला की आहुति करनी है। और निश्चित मानिए इस चीज़ को कि यदि आपकी मनोकामना सत्य है, यदि आपकी भावना सही है, निश्चित रूप से आपकी ये मनोकामना जो है वो अवश्य पूर्ण होगी। और यदि आप चाहें तो आप नित्य जाप अपना आरंभ करने से पहले, जब आप जाप करेंगे तो जाप आरंभ करने से पहले आप 1 माला या 11 माला राम नाम की जाप करिए, वो इसके प्रभाव को और तीव्र कर देगी और आपकी मनोकामना जो है वो संभवतः इन 21 दिनों के अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मनोकामना इसमें पूरी हो जाती है तो आपको फिर भी अपनी साधना को पूर्ण करना ही है, तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। संकल्प आपको लेना है, पहले दिन आप संकल्प लेंगे हाथ में जल लेकर के कि मेरी ये मनोकामना है और इस मनोकामना के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी साधना शुरू करिए। 21 दिन तक आप नित्य इसकी एक माला का जाप करिए, 21वें दिन इसका हवन करिए, और उसके बाद में आपकी साधना जो है पूर्ण हो जाएगी। इस साधना से 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आपकी जो मनोकामना है, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होने के इसके अंदर 90% चांस है, ठीक है। और यदि 10% आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो आप ये समझिए कि कोई गलती रह गई है, या तो आपसे या फिर आपकी वो मनोकामना जो है वो पूर्ण होने लायक नहीं है। दूसरी चीज़ की, आपके ऊपर जिन भी देवताओं की कृपा है, जिस भी देवता का तत्व आपके साथ में है, आपका तत्व स्वयं प्रबल होकर के आपको उस देवता की ओर आकर्षित कर देगा। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मेरे देवता कौन है और किन की पूजा करने से मेरे को लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही था। बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों के यदि कोई और प्रश्न है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही संस्थान की तरफ से उसके ऊपर भी वीडियोज़ डाली जाएंगी। अभी के लिए जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।